बताया था उन तमाम लोगों को, और बताया कि कादियानी का सिलसिला किस तरीके से शुरू हुआ और उनको कैसे मात दी गई। वो जो मुबाइला होता है ना, वो मुबाइले की कामयाबी उनके हिस्से में, ये इस पे भी है आपके फेसबुक पे जो आता है ना, उसमें भी उनके लिए कैसे निकाल कर आप रिया सरकार देख सकते हैं, देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आऊँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा और यहाँ उन्हीं के जरिए आपको बयान अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ था आखिरी के जो मौजूदा थे ना लंदन में जी जी जो, तो वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है वो, कि जब मोबाइला हुआ उसमें मैं था शुरू में, तो हम तो साथ ही रहते थे उसके, तो उन्होंने चैलेंज किया। अब वो चैलेंज को कबूल नहीं करते, उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी इसमें। इलियास सत्तार ने 1916 में एक मजमून लिखा था, एक मजमून लेकर अखबार में दिया उन्होंने, अखबार में जब दिया उन्होंने मजमून को, तो वो मजमून कुछ दिन रहा, उसके बाद वो गायब हो गया। मुझसे जब दोस्ती हुई इनकी, तो मैं भाई मस्जिद कुरतबा में आते थे, कुरान बगल में दबा हुआ है, उसमें तीर लगे हुए हैं कागज़ के तीर बहुत सारे, मैंने कहा यार ये कुरान की स्टडी करता है, इससे दोस्ती करता है, उनके पास जाके बैठ गए जब सलाम फेरा तो मैंने कहा सर आप तो कुरान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ये मगर वहीं से मेरी दोस्ती हो गई, घर ले गया मैं जहाँ मैं पिलाई वहाँ से दोस्ती बढ़ गई। तो फिर क्रिश्चियनिटी पे हम लोगों ने पहले काम किया, उसके बाद फिर उस मजमून को मैंने उस जमाने में मैं कंप्यूटर पर काम हो रहा था, क्योंकि मैं 1981 में टूर पे निकला था, पूरी दुनिया के टूर पर निकला था, मैं 20 साल सऊदी अरब रहा, बहरीन नहीं देखा मैंने, सिर्फ काम से काम। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ आकर मैंने अपना ऑफिस वगैरह खोला और उसके बाद मैंने कहा अब मैं दुनिया का टूर कर सकती, भाई बीमार हो गई, मैंने बेटी को साथ लिया और निकल गया, पूरी दुनिया मैंने देखी, नियाग्रा पहाड़ ये